हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेसन की चटनी बनाना सिखा रहा हूँ जो इडली के साथ खाया जाता है। ये छोटे छोटे होटलों में और रोड साइड के ठेलों पे बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। उसके लिए आवश्यक सामग्री एक चम्मच उड़द की दाल, एक चम्मच चने की दाल और आधा चम्मच सरसों, एक ही अदरक का टुकड़ा और पाँच हरी मिर्च चाहिए और चार पाँच पत्ते करी पत्ते चाहिए। हमें आधा कटोरी बेसन चाहिए और उसी कटोरी से हमें दो कटोरी पानी भी चाहिए। हम बेसन का पतला घोल बना लेंगे और अब हम छौंका लगाते हैं। तेल डाल के उसमें हम सरसों और छौंके का सारा सामग्री डाल देंगे। हरी मिर्च और करी पत्ता और अदरक के टुकड़े भी डाल दिए हैं हमने। अब इसे भीनी भीनी खुशबू आते तक के तलिएगा, भुनिएगा, धीमे धीमे भुनिएगा। और इसमें थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप तेल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो उसमें प्याज भी डालिएगा, मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। अब इसमें हमने जो बेसन का घोल बनाया था पतला सा, उसको मिला रहे हैं। इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और एक गिलास पानी डाल सकते हैं, मैंने दो गिलास डाला है। अगर आपको चाहिए तो और एक गिलास डाल लीजिएगा। ये मीडियम बनता है चटनी और ये जल्दी, बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है बनाने से। और इसे बीच बीच में मिलाते रहेगा ताकि गांठें ना पड़े, कहीं विलंब से ना पड़े। और इसे मध्यम आँच पर ही बनाएगा, नहीं तो जल्दी में पक जाता है और बेसन कच्चा रह जाता है। आप इसे 5 मिनट आराम से मिलाते रहेगा, एकदम गाढ़ा हो। इसे धीमे आंच पे आप इसे लगातार मिलाते रहेगा ताकि कच्चापन ना रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा और पानी डाल लीजिएगा। और मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल लिया है। नमक और मिर्ची स्वाद के अनुसार आप डालिएगा, जितना आपको चाहिए उतना, उस तभी अच्छा बनता है। बेसन की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट रहती है और इडली और डोसा उत्पम किसी के साथ भी आप इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा। देखिए, मैंने चटनी को कढ़ाई से निकाल लिया, कितनी गाढ़ी बनाई है। और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा चटनी पर हरा धनिया भी डाल दिया है। और आप इस चटनी को इडली के साथ खाइए। और साथ में अगर पोड़ी भी हो तो सोने पे सुहागा। पोड़ी बनाने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई डिश पसंद है तो बनाइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।